उन्होंने मौखिक बयानों में ये आदेश किए कि इस भर्ती को किसके कहने पर निकाला गया है, इसको यहीं रोक दिया जाए और नए कुलियों को नहीं लिया जाए। अब उन्होंने आदेश जी भैया, किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, किसको लेकर? सर ये है कि कुलियों को, मतलब ये नए को यहाँ लाया गया है, 14 कुली जो रिसीव किए हैं नए नंबर, उनकी भर्ती निकाली गई और उस भर्ती विशेष के कारण हमको इकट्ठा होना पड़ा है, क्योंकि पहले से ही 92 कुली हम मौजूदगी में हैं यहाँ पर। हमारे लिए बेरोज़गारी है, हमारे लिए कोई काम नहीं है, हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं। और हमने भी, मतलब ये कि बोला सबसे, जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमने निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर ये भर्ती को मत निकालो नई को। उसके बाद में हमारे रेल प्रशासन जो है, हमारे रेल मंत्री जी 22 तारीख को यहाँ पर आए, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने मौखिक बयानों में ये आदेश किए कि इस भर्ती को किसके कहने पर निकाला गया है, इसको यहीं रोक दिया जाए और नए कुलियों को नहीं लिया जाए। अब उन्होंने आदेश की पालना अवहेलना करते हुए इन अधिकारियों ने क्या है, 14 नंबरों को रिसीव कर दिया और नए कुली भर्ती कर दिए 14 आदमी, जबकि हम यहाँ 92 कुली मौजूदगी में हैं और हमारे लिए कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, हमारी रोज़गारी घटती जा रही है, हम परेशान हैं। हमारा ये कहना है कि अगर उनको बढ़ा दिया जाए तो हमारे लिए तो रोज़गार आगे की समस्या खोली जाए ना, हमें यह नौकरी दी जाए जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने दी थी 2008 के अंदर, तो वो गैंगमैन में चले गए। तो दूसरे नंबर की बात कि यह दूसरी भर्ती प्रक्रिया चालू है, 2008 में भी भर्ती की गई और अब भी कर दी, और यह कोई भी स्टेशन में भर्ती नहीं हुई है सिवाय अजमेर के अलावा। ऐसा क्या चीज़ है अजमेर स्टेशन पर जो इसमें आदमी क्या मानते हो कि इन भर्ती होने से कोई वो होगा आपके पास? हमारा नुकसान है सर, हमारी बेरोजगारी गई ना, हमको खुद को परेशान है, हमको खुद को भी रोजगार नहीं है। व्हील चेयर लगे हुए हैं, एक्सीलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई है, पैसेंजर पूछताछ करके नहीं चला जाता है, कोई दो भाई चार भाइयों को मजदूरी मिल जाती है, अन्यथा हम सब बैठे रहे हैं। हमने रेल मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, हमने ADRM साहब को भी अवगत कराया है, सीनियर DCM साहब को भी कराया, सबको करा दिया सब अवगत है जी। हमको हमारी वार्ता 0/0 आई है, अब हमको तो ये चाहते हैं कि आपके जरिए से हमको न्याय मिले। हमें सर वैसे देख जाए, मेरी जो नंबर है मेरे पिताजी का, मुझे मतलब ये कि सिलेक्शन में आया हूँ, वैसे देखे मुझे आज 11 साल हो चुकी है रेलवे अजमेर स्टेशन पर। आपका नाम? मेरा नाम बब्बर है, मैं कुली यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, सारे कुली भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आप हम ये है कि सब हड़ताल पे हैं, हमारी जब मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस तरीके से बैठे रहेंगे।